अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। केना वशिष्ठ भारत टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री है। वो लोकप्रिय टीवी वेब श्रृंखला गंदीबा 2018 में दिखाई दी। उनका असली नाम वंदना तिवारी है। उनका जन्म 16 जून 1983 को चिरिमिरी छत्तीसगढ़ भारत में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डीवी पब्लिक स्कूल चिरिमिरी से पढ़ाई की है। उसके बाद उन्होंने ऑल सेंट्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है, जहाँ उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की है। उनके पिता का नाम रविंद्र तिवारी है, जो एक एजुकेशन ऑफिसर है। उनके माता का नाम सीता तिवारी है। उनके दो भाई है, जिनका नाम वेदांत तिवारी और संकल तिवारी है। उनका एक बहन है, जिनका नाम नम्रता तिवारी है। गैना ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया। मोंटे कार्लो के साथ अपने पहले मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए उन्हें टेलीविजन के एक व्यक्ति शहरयार खान ने संपर्क किए थे। उन्होंने सहारवान पर एंकर के रूप में अपनी पहली टीवी उपस्थिति बनाई। उन्हें 2010 में जी टीवी के धारावाहिक बहने में मुख्य अभिनेता में से एक के रूप में लिया गया था। उन्होंने एमटीवी के शो ट्रू लाइफ 2011 में डीजे के रूप में भी काम किए। बाद में उन्होंने कई प्रसिद्ध ब्रांड जैसे फिलिप सेरिना, चेवरोलेट क्रूज कार, ड्रीमस्टोन ज्वेलरी और पलक साड़ियों के लिए एक मॉडल के रूप में काम किए। वो 70 से अधिक विज्ञापनों में काम कर चुके हैं। 2012 में उन्हें एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से मिस एशिया बिकिनी के रूप में ताज पहना गया। उन्होंने एक न्यूज चैनल के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के एंकर के रूप में काम किए। वो विभिन्न हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें डाल में कुछ काला है 2012 और लखनऊ इश्क 2015 और पिघल जाकिरा थाई 2016 शामिल है। वो उल्लू ऐप पर विभिन्न शो में भी दिखाई दिए। 24 नवम्बर 2019 को शूटिंग के दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। वो 48 घंटे से लगातार काम कर रहे थे और केवल एनर्जी ड्रिंक का सेवन कर रहे थे। वो 2 से 3 दिनों के लिए वेंटिलेटर पर थे। बाद में वो ठीक होने लगे। वो गंभीर डायबिटीज से पीड़ित थे और उन्हें मुंबई के रक्षा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया था। उन्होंने बिग बॉस 11 के प्रतियोगी अर्शी खान और प्रियंक शर्मा के खिलाफ 2017 में विवादित बयान दिए। 7 फरवरी 2021 को अभिनेत्री को इंटरनेट पर एडल्ट कंटेंट अपलोड करने के लिए मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस के एक पुलिस अधिकारी के अनुसार अभिनेत्री एक लंबे समय से एक रैकेट में शामिल रहे है, जो इस तरह की एडल्ट कंटेंट की एक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए उपयोग करते हैं। और अभिनेत्री ने वेबसाइट पर 87 से अधिक ऐसे वीडियो अपलोड किए हैं। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर ऐसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।